Hello dear all welcome to our channel Smart Indian Model School Smart Indian Model School presents Smart Indian Edufun classes Edufun online classes includes course studies of play group to class 12 emotional and communication skills happiness classes and DIY activities हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम यूर लाइब्रेरियन टीचर रीता मैम सो डियर स्टूडेंट्स आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाऊंगी, जिसका नाम है सोहन और उसकी सफलता यह है स्टोरी है सोहन की जिसने कुछ ही दिनों पहले कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स से क्लियर किया और अच्छी रैंक हासिल की लेकिन कुछ ही दिनों पहले उसके पिता ने जब से उसका कॉलेज में एडमिशन कराया जब से उसके पिता ने उसे मोबाइल दिलाया वह हर समय कभी फेसबुक कभी ट्विटर कभी व्हाट्सएप में लगा रहता तो कभी पबजी गेम में और पबजी का तो उस तरह से भूत सवार था उसके ऊपर जिसका कोई जवाब ही नहीं जब भी उसकी माँ उससे कहती कि सोहन बेटा खाना खा लो तो वह कहता बस फाइव मिनट्स मॉम उसका यह फाइव मिनट कभी कम नहीं होता है जब सभी सो जाते हैं तो वह कभी बारह बजे कभी एक बजे खाना खाकर सो जाता था और कभी कभी तो बिना खाना खाए हुए ही सो जाता था माता पिता को उसकी सेहत और उसके कैरियर और उसके फ्यूचर की बहुत चिंता होती थी वे बार बार समझाते पर सोहन का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता था एक दिन उसके पिता ऑफिस तो चले गए लेकिन अपना टिफिन बॉक्स घर पर ही भूल गए माँ ने टिफिन बॉक्स देखा तो कहा बेटा इसे पापा को ऑफिस दे आओ सोहन पबजी खेल कर छोड़ कर जाना तो नहीं चाहता था पर माँ के बार बार तो पिता के ऑफिस को बाहर से देख चुका था पर अंदर कभी नहीं गया था वह पहली बार वहां पर गया उसने एक व्यक्ति से पूछा तब उसने ऑफ़िस के बगल में बने हुए एक छोटे से कमरे में इशारा करते हुए बताया मोहित उस कमरे में गया तो उसने देखा कि उस कमरे में एक गैस चूल्हा रखा हुआ है कुछ पानी के गिलास रखे हुए हैं और एक घंटी है और वह घंटी समय समय पर बजती थी जब भी वह घंटी बजती तब उसके पिता साहब लोगों के लिए पानी चाय लेकर जाते थे चूँकि वह उस ऑफिस में पीन थे और यही उनका काम था और उन्हें दो मिनट की फुर्सत भी बहुत मुश्किल से मिलती थी मोहित लगभग आधा घंटा वहीं पर रुका और उसके बाद वह घर पर आ गया लेकिन वह जब से अपने पिता के ऑफिस से आया है ना किसी से कुछ बोलता है ना किसी से कुछ कहता है एकदम गुमसम सा हो गया है जिस मोबाइल को वह पाँच मिनट भी छोड़ता नहीं था उसकी तरफ देखता भी नहीं बस सोचे ही जा रहा था उसके अंदर उथल पुथल सा मचा हुआ था एक द्वंद सा चल रहा था वह इसी सोच में था कि उसके पिता इतनी मेहनत और इतना कष्ट सहते हैं इतनी पीड़ा सहकर उससे बार बार पढ़ने के लिए ही कहते हैं ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। जो पीड़ा मुझे सहनी पड़ रही है वह मेरे बेटे को नहीं सहनी पड़े जब भी वह घर पर आते हैं तो मैं उन्हें दिखाने के लिए किताबें लेकर बैठ जाता हूँ और बाकी बचे टाइम में व्हाट्सअप फेसबुक और पबजी खेलने लग जाता हूँ और मेरी माँ जो दिन भर घर का सारा काम करती है और बचे हुए टाइम में मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती है ताकि हमारे खाने पीने में और परवरिश में कोई कमी ना रह जाए हमारे माता पिता इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और समाज में सर ऊंचा करके जी सकें और हम क्या करते हैं क्या करते हैं हम हम सिर्फ उन्हें धोखा देते हैं सोहन ने अब फैसला किया कि अब वह भी पढ़ेगा अब वह बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा दिन रात पढ़ने लगा खूब मेहनत से पढ़ता था चाहे कितना भी शोर हो उसका मन सिर्फ पढ़ाई में ही लगने लगा कंसंट्रेशन इतना कि एक बार जो पढ़ ले उसके दिमाग में छप जाए उसके बाद उसने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया जब रिजल्ट आया तो यूपीएससी में वह टॉप कर गया तो जगह जगह उसकी तारीफ होने लगी उसके पिता के ऑफ़िस के लोग जो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं किया करते थे अब वह उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे सचमुच आज उसके माता पिता वो बहुत खुश थे और वह भी सोच रहा था कि आज मेरा जीवन सफल हो गया अब उसके माता पिता की आँखों में खुशी के आंसू छलक आए और वह बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे अपने बेटे की सफलता के लिए तो प्यारे बच्चों यह स्टोरी आपको कैसी लगी अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने लिए के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग